एक्टर कमल हसन आज साउथ में एक बड़ा नाम है। ये वो अभिनेता हैं जिन्होंने साउथ की फिल्मों के साथ साथ हिंदी सिनेमा में भी सफल फिल्मों का योगदान दिया। इनका फिल्मी करियर बेहद सफल रहा है, मगर इनकी निजी जिंदगी की अगर बात करें तो प्यार के मामले में ये कभी स्थिर नहीं रह सके। कमल हसन को कई बार प्यार हुआ और फिर शादी भी हुई और फिर बाद में बात तलाक तक भी जा पहुँची है। साल 1978 में कमल हसन ने वाणी गणपति से शादी की। आपको बता दें कि वाणी गणपति कमल से 24 साल बड़ी थी। उनकी ये शादी 10 साल बाद 1988 में टूट गई। इसके पीछे का कारण सारिका को ठहराया जाता है। बताया जाता है कि सारिका और कमल हसन एक दूसरे को डेट कर रहे थे। इस दौरान सारिका प्रेग्नेंट थी। जब इस बात की खबर वाणी को पता चली तो उन्होंने कमल से तलाक ले लिया। वाणी से तलाक के बाद उसी साल यानी कि साल 1988 कमल ने सारिका से शादी कर ली। शादी के बाद सारिका ने श्रुति हसन को जन्म दिया। इसके बाद दोनों को साल 1991 में एक और बेटी हुई जिसका नाम अक्षरा हसन रखा। इनकी खुशहाल चल रही इस लाइफ में तब तूफान आ गया जब कमल हसन 22 साल छोटी एक्ट्रेस सिमरन बग्गा को डेट करने लगे और इस बात की जानकारी जब सारिका को हुई तो उन्होंने शादी के 16 साल बाद साल 2004 में कमल हसन को तलाक दे दिया। वहीं कमल हसन और सारिका के तलाक के इस फैसले से उनकी बेटी श्रुति हसन काफी खुश थी। उन्हें आज तक उनके इस फैसले पर गर्व होता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बल्कि इस बात का खुलासा खुद श्रुति हसन ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान किया है। श्रुति ने इंटरव्यू में बताया कि वो अपने पेरेंट्स के तलाक से खुश थी क्योंकि अगर दो लोग एक साथ नहीं रह पा रहे हैं तो उन्हें जबरदस्ती ऐसा करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। श्रुति कहती हैं, मैं उन दोनों के लिए एक्साइटेड थी कि वो दोनों अपनी जिंदगी जीने जा रहे थे। वो अभी भी बेहतरीन पेरेंट्स हैं। मैं अपने पिता के बहुत क्लोज हूँ और माँ भी मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा है। दोनों ही अलग अलग तरीके से बेहतरीन इंसान हैं, लेकिन एक साथ वो ऐसे नहीं थे। वो निजी तौर पर बहुत अच्छे हैं। उनका साथ रहना उनकी इस अच्छाई को खत्म कर रहा था। ये फैसला हम सभी के लिए अच्छा था। जब वो अलग हुए तो मैं बहुत छोटी थी। ये बहुत आसान था और हम सभी बहुत खुश थे। वही श्रुति का ये इंटरव्यू इन दोनों खूब चर्चाओं में है। बता दें कि श्रुति हसन ने भी अपने मम्मी पापा की तरह एक्टिंग में अपने करियर को चुना है। वो साउथ के अलावा बॉलीवुड के भी कई फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। उन्होंने साल 2009 में फिल्म लक से बॉलीवुड में एक्टिंग डेब्यू किया था। इसके बाद वो डी डे, रामैया वस्तावैया, गब्बर इज बैक, वेलकम बैक जैसी कई फिल्मों में नजर आई। श्रुति हसन आखिरी बार फिल्म वकील साहब में दिखाई दी थी। वो जल्द ही प्रभास के साथ फिल्म सालार में नजर आएंगी। वहीं फिल्मों के अलावा श्रुति हसन अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी चर्चा में रहती हैं। लॉकडाउन के दौरान एक्ट्रेस अपने बॉयफ्रेंड शांतनु हजारिका संग लिविंग में रहने को लेकर सुर्खियों में रही हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कॉन्ट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।